बदमाशों ने 50 से 60 गाड़ियों में की तोड़फोड़। 61 साल के बुजुर्ग का किडनैपिंग कर खाड़ी में फेंका। 20 साल की विवाहिता की हत्या, ननद हिरासत में। चलती कार में लगी आग, चालक ने कैसे बचाई जान। ह्यूमन चैन बनाकर इस्लाम के बारे में दिया संदेश। ये सब खबरें देखिए हमारे आज के टॉप 5 में। मगर सबसे पहले खबर आपको बताते हैं पुणे। पुणे के मार्केट यार्ड में जहां कुछ बदमाशों ने 50 से 60 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दहशत फैलाने के इरादे से तलवार, लोहे की रॉड, अन्य हथियारों के जरिए खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना 28 जनवरी की देर रात में हुई। करीब 50 से 60 गाड़ियां खड़ी थी जिनमें इन लोगों ने तोड़फोड़ की है। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना में करीब 15 से 20 लोग शामिल थे, मगर पुलिस मामला दर्ज की है और 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार की। वही महाराष्ट्र के कल्याण के कड़कपाड़ा में 61 साल के प्रकाश भोईर के साथ किडनैपिंग की और मारपीट लूट की मामला सामने आया है। प्रकाश भोईर का भरोसेमंद शैलेश गायकवाड़ ने अपने 2 साथियों से भरत गायकवाड़ और प्रदीप जाधव के साथ मिलकर प्रकाश भोईर का अपहरण कर लिया और 25 जनवरी को मारपीट कर माल शेष घाट से खाड़ी में फेंक दिया और घर में रखे 75,000 रुपए कैश, 13 लाख के सोने के गहने, बाइक, मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। मगर खाड़ी में गिरने के बाद भी प्रकाश भोईर जिंदा बच गए। किसी तरह से वो बाहर निकलकर आए और राहगीर की मदद से पुलिस स्टेशन पहुंचकर आपबीती बताई और पुलिस ने FIR दर्ज कर 24 घंटे के भीतर शैलेश गायकवाड़, भरत गायकवाड़ को गिरफ्तार किया है, जबकि प्रदीप जाधव अभी फरार है। प्रकाश भोईर का उपचार एक अस्पताल में किया जा रहा है। अंबरनाथ के जय भवानी अपार्टमेंट में 20 वर्षीय विवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विवाहिता का नाम सोनाली गिरे है, जो अपने पति और ससुराल वालों के साथ जय भवानी अपार्टमेंट के 4th मंजिल पर रहती थी। पुलिस ने सोनाली के ननद पर हत्या का शक जताया है। शरीर पर और सर पर पिटाई और चोट के निशान, और इस घटना के वक्त सोनाली और उसकी ननद ही घर में थी। पुलिस के मुताबिक घरेलू हिंसा में सोनाली की हत्या हुई है और पुलिस ननद को पूछताछ के लिए हिरासत में ली है और आगे की जांच जारी है। करजत कल्याण स्टेट हाईवे बदलापुर के बीच में स्कोडा स्प्रेड वाहन में अचानक आग लग गई। इस गाड़ी में मालिक सैयद मेहताब अकेले ही यात्रा कर रहे थे और गाड़ी में आग लगते ही वो फौरन बाहर निकले। नेरल पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी और दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, मगर तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। किसी तरह से दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। वही भिवंडी के जकात नाका पर गैर इस्लामी लोगों को इस्लाम की खूबियां और इस्लाम के बारे में गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक ह्यूमन चैन बनाया गया था। इसमें महिलाएं और पुरुष ह्यूमन चैन बनाकर रोड के दोनों किनारे खड़े रहे। लोगों को संदेश दिया गया इस्लाम के बारे में। ये ह्यूमन चैन जमाती इस्लामी की तरफ से बनाई गई थी। इसका नेतृत्व आसिफ फलाही कर रहे थे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।